तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं शिवांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ही चैनल सीएम इंस्टीट्यूट पर, जहां आपके टॉपिक्स होंगे क्लियर। आज आपको देखना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो एक सॉलिड स्टेट का हिस्सा है। इसमें एक्सेस डिफेक्ट क्यों हो रहा है? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज की वजह से। कैसे ये होता है, धीरे धीरे आप समझते चले जाएंगे। यहां पर मैंने एक क्रिस्टल बनाया है, जो मतलब कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, तो वो प्लस माइनस चार्जेस में अरेंज किया है। मान लेते हैं कि ये एक क्रिस्टल जो मैंने बनाया है यहाँ पे, वो NaCl सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। अब मैं सोडियम क्लोराइड को सोडियम एटमॉस्फेयर में हीट करूंगा, तो उसकी वजह से जो सोडियम एटम्स हैं वो इसके सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब सरफेस पे सोडियम डिपॉजिट हुए हैं, तो क्लोराइड आयन क्रिस्टल से डिफ्यूज होकर सर्फेस पे आ जाएंगे, और वो Na+ के साथ क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होने के बाद NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज होगा, इसको डिफ्यूज कर देंगे एक एनायनिक साइट में, मतलब माइनस की जगह पे, तो वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। अब इस टाइम में क्या होगा कि इस क्रिस्टल की ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, क्योंकि जितने नंबर आप पॉजिटिव आयंस है उतने ही नेगेटिव आयंस है। बट यहां पर जो सोडियम एटम्स होंगे वो एक्सेस में हो जाएंगे, जो क्लोराइड आयंस होंगे वो डेफिशिएंट हो जाएंगे। तो सोडियम एक्सेस में होने की वजह से ही इसे कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसी को हम एफ सेंटर कहते हैं, जिसका जर्मन वर्ड फॉर्बेंजेंटर होता है, मतलब कलर। जब ये विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करता है, कौन, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन की वजह से विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करता है, और ये डिफरेंट क्रिस्टल जो है अलग अलग कलर के में दिखाई पड़ते हैं। जैसे NaCl येलो कलर का दिखाई पड़ता है, KCl वायलेट, और LiCl जो होगा वो पिंक कलर का हमें दिखाई